विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच देश भर के तेल तिलन बाजारों में शुक्रवार को सोयाबीन, सीपीओ, पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलनों के भाव नरमी के साथ बंद होते नजर आए। मलेशिया एक्सचेंज में 1.5% की गिरावट थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज आरंभिक दौर में 3% नीचे चल रहा था। मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट आने और भाव बेपरता होने से सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव हानि दर्शाते बंद हुए। आयातकों के लिए इन तेलों का आयात करना महंगा बैठ रहा है, क्योंकि स्थानीय बाजार में उससे सस्ते भाव पर आयातित तेल उपलब्ध है। प्लांट वालों को सोयाबीन दाना 6,700 रुपए क्विंटल के भाव पर मिल रहा है और पेराई करने में उनको लगभग 200 रुपए क्विंटल का नुकसान भी हो रहा है। इसी तरह बिनौला पेराई मिलों को भी पेराई करने में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण आयातकों को खरीद दर से कहीं सस्ते दाम पर अपना माल बेचना पड़ रहा है। देश में प्लांट वालों को सोयाबीन कम उपलब्ध है, क्योंकि किसान सस्ते में बेचने से बच रहे हैं। इस कारण से ये सोयाबीन प्लांट वाले मंडियों से ऊंचे दाम पर सोयाबीन की खरीद कर ले रहे हैं। विदेशी बाजारों में गिरावट के कारण सोयाबीन तेल के भाव नरम बंद हुए, जबकि सोयाबीन दाना और लूज के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे, क्योंकि पोल्ट्री कंपनियों की सोयाबीन के तेल रहित खल की मांग बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि बिनौला तेल का भाव कमजोर होने से मूंगफली तेल तिलहनों की मांग प्रभावित हुई, जिससे इनके भाव कुछ नरम रुख के साथ बंद हुए। गिरावट के आम रुख के बीच बड़े सरसों मिलों की मांग कम होने से सरसों तेल तिलहन के भाव भी नरमी दर्शाते बंद होते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।